नमस्कार मु पूर्णिमा आजिर आ न्यूज स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम को आपन को स्वागत आजिर विषय होची गंठी बात आसंतु आज आमर अतिथि होचंदी डॉक्टर तिलोचन जेना नीलाचल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मास्टर डिग्री ऑर्थोपेडिक उत्कल यूनिवर्सिटी सालंदु तांगु स्वागत करिवा सर नमस्कार नमस्कार प्रथम क्वेश्चन पचारिबा सांग ठारु बुझिबा बात रोग कौन आउ केते प्रकार बात रोग होची पेन एंड स्टिफनेस ऑफ वन और मोर जॉइंट्स माने गोटे जम मो गोटे किंबा अधिक जॉइंट्स रे पेन होतबो आउ ता द्वारा स्टिफ हे होतो जॉइंट्स उडा ताकु ने केमे बात रोग करबा बात रोग होची जनरली दुई प्रकार गोटे होची रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ गोटे होची ऑस्टियोआर्थराइटिस कारण हूँ बयस जनित रोग बयस किसी सटन बयस साइनल फ्लूइड तेलटा जो जेनेट हुए आंठू भितर सी आईपे ना धीरे 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 कौन हुए से जेहेतु तैयार हुए नहीं से काटिले जोड़ा को घोरियावा स्टार्ट हुए काटिले जोड़ा घोरियावा स्टार्ट हला पोरे अमर जो जॉइंट्स वाला था तापर प्रेशर पड़ के पेन हो स्टार्ट हो सेटा को तार कारण गंठी बादर लक्षण सब कौन कौन था इसे गंठी बादर लक्षण वाला हो ची अपन गरा से जॉइंट्स वाला करे पेन हो स्टिफनेस हो जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला करे नी जॉइंट रे ही था नी जॉइंट वाला करे कौन हो अपन गरा फास्ट लगे तले बस उठला काटी पेन हुए जेनेली स्टैंडिंग रे भी हम शोला बेल को जन हुए पेन से सिम्टम से जना पड़े आर्थराइटिस स्टार्ट हो गंठीवाद होती जाना तार पैथोलॉजी टेस्ट कौन कौन कर गंठीवाद जापर किसी ब्लड टेस्ट कले भी जापर से ब्लड टेस्ट जाएनएफएल काउंट करवा जेनेली छड़ा ईएसआर देखा बड़ी रखे अच्छी ता छोड़ा आपण कर परिवे सीआरपी क्वांटिटेटिव टेस्ट सेतरे वैल्यू देखिए हम जानि पाए किछि इन्फ्लेमेशन बॉडी रे अछि ना किंतु सब बेले हमें कन्फर्मेशन नै परिबा बाय एक्सरे एक्सरे रे कोन होय हमें छिडा है कि गोटे एक्सरे नबा फ्रंट व्यू रो ले जणा पड़ी जबो तारो गैप गोटे केते कमिलानी आ कैटलिस्ट केते लॉस हलानी अकॉर्डिंग टू दैट आपण सेय अनुसार आपण स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 कैलकुलेट करि होबो कोरोना पई लॉकडाउन ऑर्थोपेडिक रे किछ प्रभाव पकेबो किसो देखो ऑर्थोपेडिक रे निहाती कोरोना एक रेस्पिरेटरी डिजीज जनरली सेथि पई आ संगरे डायरेक्ट नो इंपैक्ट नो पकेले भी हमें सेकेंडरी इंपैक्ट निहाती पड़ी कारण जो लोक माने हमरो क्लिनिक को रेगुलरली आस्थुले जो मनको जॉइंट्स पेन थिला जो मनको क्रोनिक स्ट्रेस रे थिला पेन बेसी होतला से मनको आ आसे पड़ी पाला ने क्लिनिक क्लिनिक जेतु बंद रहला से पई क्लिनिक के समय आसे पाले नाही किंतु घरे से माने एक्सरसाइज करी ताको मेंटेन कर पाले आ गोटे बेसी प्रॉब्लम होला जो मनकर नुवरमा ऑपरेशन हेतला जोटा नी रिप्लेसमेंट हेतला कि जो मनकर किछि इंजरी जो हेके से मनकर ऑपरेशन हेतला जेतु लॉकडाउन हे गला से पय से मनकर घर को लोक जिबा भी बहुत मुश्किल हे गला ता छोडा क्लिनिक से माने आसी पले नाही से मनको देखिबा डायरेक्टली देखिबा हम बहुत कष्ट हे गला से पय कोरोना जको एई प्रॉब्लम गोडा हम के बहुत फेस करिया पडला बहुत डॉक्टर सामने जो माने हम जहाँ फॉलो करा चाहूल जो मैंने जहाँ जी कर सब गाइड न कर सारापर से असुविधार सम्मुखता निहारी होते हैं से प्रोब्लम होता 10 सेकंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छापंतु आउ थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छापंतु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छापंतु गंठी मात्र चिकित्सा सब कम कौन गंठी बातर आम स्टेज नहीं की चिकित्सा को डिवाइड करवा आम कमी करवा गंठी बातर चार्टा स्टेज रही स्टेज 1 आ स्टेज 2 स्टेज 2 प्लस जदि थाए ताको आम कंजर्वेटिवली मैनेज करवा कंजर्वेटिवली माने आम विदाउट ऑपरेशन ने मैनेज करवा विदाउट ऑपरेशन ने आम कमी करवा विदाउट ऑपरेशन ने हेले आपण को फास्ट किसी मेडिकेशन थाए
ଯୋଉଟା କି ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଗ୍ଲୁକୋସାମାଇନ୍ ହେଲା, ଏନିଥିଙ୍ଗ ଜଏଣ୍ଟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ଏଗୁଡା ଖାଇକି ଆଉ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିକି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିହେଇଯାଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁ, ଯଦି ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁରେ ବେଶୀ ଗ୍ୟାପ୍ କମିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଯଦି ସର୍ଜନ ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ଏବେ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ସରେ ପାର୍ସିଆଲ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛି, ନହେଲେ ଜଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁପଟ ସାଇଡ୍ ବେଶୀ କମିଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗୁଡ଼ାକ ସାଇଡ୍ରେ ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଲଗାହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି ଆମେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ଫିଜିଓଥେରାପି ବେଶୀ ତାର ହେଉଛି ତାର ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ତା ଛଡା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିକି ସେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରେ। ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥାର ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା କିଛି ଅଛି କି? ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ତ ଅଛି ନିହାତି, ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ବେସ୍ ଅନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଖାଇବା ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆପଣ ଥଣ୍ଡାକୁ ଯେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମେଡିସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଜେନେରାଲି ଆପଣ ରସୁଣ ପିପଳୀ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ବେଶୀ। ତା ଛଡା ଆପଣ ହଳଦୀର ବହୁତ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ହଳଦୀକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଜେନେରାଲି ଖାଇବାରେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତା ଛଡା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆଣ୍ଠୁର ମସଲ୍ସକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥନିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ରେଗୁଲାର ସେଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥନିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ା କଲେ ତାହେଲେ ଧୀରେ 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 ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଏଣ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟାଡମ୍ କେବେ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇପାରିବନି ସଡନ୍ଲି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଜଏଣ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ରୁ ପ୍ରେସରଟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ବାଇ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥନିଂ ଅଫ୍ ମସଲ୍ସ। ସେଇ ମସଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ମସଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଛି। ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆପଣ ଘରେ ଯଦି ରେଗୁଲାରଲି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଉପଶମ ନିହାତି ଭାବରେ ମିଳିବ। ଗଣ୍ଠିବାତ ଜେନେରାଲି କ'ଣ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ସାଇନୋଭାଲ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ଟା ସେଥିରୁ କମିଯାଏ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ ପ୍ରେସର ଯେମିତି କମ୍ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତଳେ ବସିବା ନାହିଁ, ଚକା ପକେଇକି ବସିବେ ନାହିଁ, ଯେତେ କମ୍ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବେ, ଓଭର ପ୍ରେସର ବେଣ୍ଡିଂ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯଦି ବେଶୀ ପ୍ରେସର ନ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ହେଇକି ରହିବ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ, କମୋଡ୍ରେ ବାଥରୁମ୍ ଯିବା, ସିଡ଼ିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ କମେଇ ପାରିବା, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ସିଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ନଥିବ ଅନ୍ନେସେସରି ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଲସ୍ କରିବେ, ତାକୁ କମେଇ ଦେବେ, ଓଭର ପ୍ରେସର ବେଣ୍ଡିଂ କରିବେ ନାହିଁ, ଚକା ପକେଇବେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ଆପଣ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଆମେ ସେଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା। घुटनों का दर्द एक पीड़ादायक समस्या है जिसमें आप चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। यह एक ऐसा रोग है जो आज लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुका है। इसी कारण आज हम अपना यह वीडियो लेकर आए हैं जिसमें इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ सरल घरेलू उपाय बताए गए हैं जिनका उपयोग आपको इस रोग से सरलता पूर्वक निजात दिला सकता है। शायद आप यह जानते होंगे कि नारियल के तेल की मालिश करने से घुटनों के दर्द एवं इस प्रकार की बीमारियों से निजात मिलती है, इसलिए रोजाना अपने घुटनों के दर्द वाले स्थान पर दिन में दो बार नारियल के तेल की मालिश करें। इस प्रक्रिया को 15 दिनों तक जारी रखें, अवश्य आपको अपनी इस समस्या से राहत मिल जाएगी। यह बात तो आप सभी जानते होंगे कि दर्द में हल्दी बहुत फायदेमंद होती है, जिसमें अनेक ऐसे गुण होते हैं जो दर्द को जड़ से समाप्त कर देते हैं और साथ ही यह शरीर के अंगों की सूजन भी ठीक करने में काफी मददगार साबित होते हैं, इसलिए इसका सेवन गुनगुने दूध के साथ करना चाहिए। मेथी के दाने जोड़ों के एवं घुटनों के दर्द पर प्रभावी रूप से कार्य करते हैं, इसके लिए 10-15 ग्राम मेथी दाने का चूर्ण बनाकर रख लें और रोजाना खाना खाने से पहले एक ग्लास गुनगुने पानी के साथ एक चम्मच खाएं और साथ ही 8-10 मेथी के दाने रात को भिगोकर रख दें। सुबह उठते ही इन्हें पानी के साथ खा लें, ऐसा 30-40 दिनों तक करें, दर्द जड़ से समाप्त हो जाएगा। अदरक दर्द पर एक गुणकारी जड़ी बूटी की तरह कार्य करता है, इसके सेवन से कई प्रकार के रोग दूर होते हैं और साथ ही यह एक बहुत अच्छा दर्द निवारक भी है एवं यह मांसपेशियों की जकड़न को भी कम करता है जिससे दर्द में राहत मिलती है। रोजाना 2-3 बार अदरक की चाय पिएं, परंतु इस बात का भी ध्यान रखें कि
चाय में चाय पत्ती ज्यादा न हो पाए लगातार एक महीने तक इसे जारी रखें, आपको जोड़ों के दर्द से राहत मिल जाएगी। गंठी बातरे खाद्य केवल रहा उचित गंठी बातरे देखो जेनराली जो थंडा टेंडेंसी कराए जो गैस्ट्रिक कराए से जिन आपको जेनराली कंट्रोल करा पड़ो जमीक बासी पखाड़ है बासी पखाड़ पर खाइबे थंडा टेंडेंसी कम फ्रिज पा कम खाइबे बासी दही एगुड़ा सब कम करा पड़ो आपको ताछड़ा खाइबारे आपड़ कौन करेंगे जो थे आपणकर बेस न्यूट्रिए खाइबा थी आ कैल्सियम जेनरेट खाइबा गुड़ा से गुडाक आप खाइबे ग्रीन वेजिटेबल्स बेस आड करेंगे आप डायट रे कैल्सियम टा तो निहाती दरकार कारण बॉडी डेफिशिएंसी कैल्सियम जदि हैला ताले बोन गुड़ा ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए आ जल्दी अफेक्टेड हो जाए जदि आप 40-45 वर्ष लोकर डेफिशिएंसी हो गला माने ऑस्टियोपोरोसिस हैला ताले बेसी अफेक्टेड हो ऑस्टियोआर्थराइटिस को सेथिपई आपण कोन करबे कैल्शियम युक्त खाद्य खाइबे कैल्शियम युक्त खाद्य रे बेसिकली कोन होछि जो मनको वेजिटेरियन अछि वेजिटेरियन भीतर आपण खीर खाइ परिबे छेना खाइ परिबे एथरे आपणको कैल्शियम बेसी थाय नॉन वेजिटेरियन मनकर छोटा माछ वाला कंकड़ा हला से मनकर कैल्शियम एथरे बहुत रिच कैल्शियम अछि सेथिपई आपण जेमिदि हो मासकु लिथर दिनतर ऐड करंतु छोटा माछ कंकड़ा तो बहुत रिच कैल्शियम जो मैंने खाई पड़ते निहाती खाद्य ऐड करा दरकार आउ जो मन बेस देखते इनफ्लामेशन रोचे से हलदी गोटे एम जिन जो आंटी इनफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज देखे थाए से जमी हो हलदी इम्प्लीमेंटेशन टाइम खाई बढ़ात जमी क्षीर में गोल पीपारे आप खाद्य जेनेली हलदी एड कर सब जिन हलदी रेगुलाली खाऊँच जो कर्कुमिन गुड़ा थाए से आप इनफ्लामेशन को बहुत कंट्रोल कै कहीं हलदी हूँ गोटे निहाती गोटे जेनेली गोटे आपंकर एमती गोटे जिन जोटा कि आप सबुदिन खाइबार आड करूँ जोटा कि आर्थराइटिस को बहुत कंट्रोल कर रखी से आप देख थंडा जिन खाइबा को जेनेली अवॉइड करेंगे सब दिन ताछड़ा कैल्शियम युक्त खाद्य खाइबे खाइला आपंकर धीरे 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 से गुड़ा सब डेफिसीयसी गुड़ा कम एज और सेक्स लोक बेस अफेक्ट हो गंठीबा द्वारा कंठीबा तो जेनेली उभय पुरुष और महिला दु जन को अफेक्टेड करता है किंतु किसी सर्टन एज पर महिला मैंने बेसी अफेक्टेड होता है किसी सर्टन एज पर जेहेतु पोस्ट मेनोपॉजल प्रॉब्लम हुए से किसी हार्मोनल चेंजेस बॉडी में देखा जाता है आपरे बोन गुड़ा बेस ऑस्टियोपोरोसिस होता है से महिला मैंने जेनेली बेसी अफेक्टेड होता है पुरुष मैंने अफेक्टेड होता है किंतु महिला तुलन में बहुत कम ताछड़ा किसी सर्टन एज पर जेनेली 45-50 वर्ष पर जेहेतु साइनोवाइल फ्लूइड गुड़ा जेनेट हो पारे ना से जेनेली ऑस्टियोआर्थराइटिस गुड़ा बेसी स्टार्ट होता है आम जापरता पूर्व हवा चान्सेस बहुत कम कि बर्तमान स्टेज रे भी बहुत जेहेतु सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होने बेस एक्सरसाइज करना आम जेहतु कोबी घंटा घंटा कंप्यूटर में बसुचार डायट रिस्ट्रिक्शन गुड़ा बहुत पड़े आम बहुत जंक फुड्स गुड़ा खाऊँच इयरली स्टेज भी बर्तमान हो हमारा साइंस हिसाब से 45 वर्ष पर जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस बड़ा देखा जाए मोर शेष प्रश्न और व्यक्तिगत प्रश्न आर न्यूज चैनल ऊपर आपण को मतामत कौन से तो आर न्यूज गोटे गोटे सुंदर इनिशिएटिव और बहुत सुंदर प्रोग्राम जो थे लोक मैंने जो स्वास्थ्य संदेश गोटे प्रोग्राम अच्छे जोटा से लोक मैंने बहुत गुडा जिन एजुकेशन मिलू डीज आउ केमती स्टेज नब कौन कर तार उपचार केमती बहुत वर्ग लोक देखिक किसी उपकृत होड़ा आपण सकाल स्वर आउे कौन हो गए एंटरटेनमेंट प्रोग्राम लोक मैंने बहुत एंटरटेनमेंट हो पार्टी जेहेतु लकडाउन चलता से लोक मैंने बहुत जिन बोरींग होते करते सकाल स्वर से जो आपको देखिक बहुत लोग एंटरटेनमेंट हो पार्टी आउ रहा जीवन जीविका रे आपंकर जिनस कौन कर जो डिफरेंट वर्गर लोक मान जीवन टाइम देखते कमी लाइफ स्टाइल मान अतिवाहित कले लकडाउन मानने से जिन समस्ते क्यारि आउट करेतु आपंकर जीवन एमती है से मैंने कौ स्टेज रही है कौन असुविधा होता कौन ना जिन देखी सारापर कि आप देखिक भी दरकार एटलिस्ट जापरिवे कौन केमी असुविधा थे कौन करते ये बहुत सुंदर इनिशिएटिव बहुत नेक्स्ट फॉरवर्ड करंतु आस्ते आस्ते आपको धीरे 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 ये बहुत ऊपर को जाओ धन्यवाद आज आपण आर न्यूज स्टूडियो को आसी आपण बहुमूल्य मतामत देथिवरु आपण अशेष अशेष धन्यवाद।
ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସନ୍ଦେଶର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର।